ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ग्यारह करोड़ 50 लाख रुपए, इतने रुपए में क्या क्या आ सकता है? कई लग्जरी गाड़ियां, महंगे ब्रांडेड फोन्स, सोने चांदी के जेवर और भी न जाने क्या क्या। लेकिन हम कोई काल्पनिक कहानी आपको नहीं सुना रहे, बल्कि हम बता रहे हैं अखिलेश यादव के भतीजे और करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव की कुल संपत्ति के बारे में। तेज प्रताप यादव के पास कितनी संपत्ति है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और 9 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी जोरों पर है। आज करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। पूरे यादव परिवार के साथ तेज प्रताप यादव आज नजर आए। उन्होंने 3 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जो खास बात निकलकर सामने आई वो है तेज प्रताप यादव की संपत्ति। तेज प्रताप यादव की संपत्ति का जो विवरण उन्होंने दिया है उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव करोड़पति। तेज प्रताप यादव के शपथ पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उनका जो आयकर का विवरण है उसके अनुसार तेज प्रताप यादव की कुल आय 21,78,730 रुपए दर्शाई गई है। वहीं उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो आय है वो 5,22,010 रुपए बताई गई है। बात करें तेज प्रताप यादव के पास मौजूद चल संपत्ति की तो 5,03,72,000 कुल की चल संपत्ति तेज प्रताप यादव के पास है। वहीं अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत 6,56,85,000 बताई गई है, जिसमें लगभग 45 बीघा कृषि भूमि है जिसकी अनुमानित कीमत 3,14,35,000 रुपए बताई जा रही है। बात सोने चांदी की करें तो तेज प्रताप यादव के पास 2,410 ग्राम सोने के आभूषण है जिनकी कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई गई है। वहीं तेज प्रताप 2 लग्जरी कारों के भी मालिक हैं। पत्नी राजलक्ष्मी के पास भी चल संपत्ति 1,13,15,000 और अचल संपत्ति की कीमत 2,20,00,000 रुपए दर्शाई गई है। पत्नी राजलक्ष्मी के पास 240 ग्राम के सोने के जेवर है। अब बात करें तेज प्रताप यादव के ऊपर के कर्ज की तो उनके ऊपर बैंकों व वित्तीय संस्थानों का करीब 1,54,05,000 का लोन है। वहीं राजलक्ष्मी के ऊपर 75 लाख का कर्ज बकाया है। हालांकि तेज प्रताप के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। तो ये था तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा जो उन्होंने एफिडेविट में दिया है। अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप क्या करते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहरहाल बीजेपी किसे उतारेगी तेज प्रताप के खिलाफ करहल की चुनाव भूमि से मैदान में, ये देखना दिलचस्प होगा। ये खबर हमें भेजी थी पुष्पेंद्र सिंह ने। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।